अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी आसफ अंसारी एंड यू आर वाचिंग पाक डिफेंस यूट्यूब चैनल। नाजरीन मोहतरम, मशहूर ज़माना पाकिस्तानी ट्रक आर्ट अब सड़कों से उड़कर आसमान की बुलंदियों में दिखाई देने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के जहाज़ों के पेंट को कौन इतने खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट में तब्दील कर रहा है? कौन सा पाकिस्तानी त्यारा इस ट्रक आर्ट में तब्दील हो चुका है जो अपनी खूबसूरती के बायस पाकिस्तानी फिजाओं को रौनक बख्शने वाला है? नाजरीन मोहतरम, चंद दिन पहले एक दोस्त ने GR-17 थंडर, जो कि ट्रक आर्ट की सूरत में पेंट किया गया था, उसकी तस्वीर भेजी थी और तस्वीर की हकीकत जानना चाही थी। आज की वीडियो में बाकी मालूमात शेयर करने के साथ साथ इस तस्वीर की हकीकत भी आप लोगों को बताएंगे, मगर इससे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। और साथ ही नए आने वाले तमाम मुअज्जज दोस्तों से इंतहाई मोहतबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुअज्जज नाजरीन, ग्रामी मशहूर ज़माना पाकिस्तानी ट्रक आर्ट अब सड़कों से उड़कर आसमान की बुलंदियों में दिखाई देने वाला है, क्योंकि एक फ्लाइंग अकेडमी कुछ जहाज़ों पर इस आर्ट का इस्तेमाल कर रही है। कराची में एक फ्लाइंग अकेडमी ने 2 सीटों वाले सेसना जहाज पर ट्रक आर्ट इस्तेमाल करके उसे नया रूप देने की कोशिश की है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पाकिस्तानी ट्रक आर्ट ना पहुंचा हो, मगर ऐसा पहली मर्तबा होने जा रहा है कि जहाजों को इस आर्ट के रंगों से मुजयन किया जा रहा है। स्काई विंग्स नामी फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इमरान असलम खान ने राइटर्स को बताया है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF और शिद्दत पसंदी जैसे मसाइल ही नहीं, बल्कि ये एक मुख्तलिफ और मुमकिनात की सरजमीन है। इमरान असलम खान दीगर त्यारों को भी ऐसे ही पेंट करने का इरादा रखते हैं। हालिया बरसों में ट्रक आर्ट पाकिस्तान की दुनिया में नई पहचान बना है। जहाजों पर पेंट करने वाले आर्टिस्ट हैदर अली इस बारे में कहते हैं कि दुनिया हमारे ट्रक आर्ट को पहले ही जानती है, अब इस जहाज के जरिए हमारे रंग फिजाओं में उड़ेंगे, हम बहुत पुरजोश हैं। अपने वालदैन से पेंटिंग की तरबियत हासिल करने वाले हैदर बचपन से ही ट्रकों पर अपने फन का मुजाहरा करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी उम्मीद जाहिर की है कि वो मुस्तकबिल में एयरबस या अमरीकी कंपनी के बनाए हुए बोइंग त्यारों पर भी ऐसा ही पेंट करेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे देवकामत त्यारों पर काम करना इंतहाई जबरदस्त तजर्बा होगा। नाजरीन मोहतरम, अब अगर GR-17 थंडर की उस तस्वीर की बात करें जिस पर ट्रक आर्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये बात आप लोगों पर वाजे करता चलूं कि अभी तक GR-17 थंडर जैसे किसी भी त्यारे को ट्रक आर्ट के रंगों से नहीं रंगा गया, और ये तस्वीर फोटोशॉप और माहिर एडिटर का कमाल है और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।